होल्ड होल्ड सर होल्ड होल्ड हितेन सर थोड़ा होल्ड होल्ड सर यहाँ सामने यस सबसे पहले 50th बर्थडे है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ. मतलब आधी सेंचुरी आपने पार कर ली है और आधी और होने वाली है. सो आई विश यू दैट कि आधी और सेंचुरी हो आपकी. एंड हितेन मेहता जी लॉयर भी हैं और एडवाइज़र भी हैं. तो डेफिनेटली आजकल के जो नॉर्मल कॉमन इंडियंस हैं उन्हें कई बार लॉ नहीं पता होता है. तो आई होप कि वो अपनी बातें या लॉज जो अपने लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो सबको बता सके. एंड आई विश हिम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड. थैंक यू वेरी मच. हितेन भाई मेरे बरसों से दोस्त है और हम लोग दो जिस्म एक जान है और हमारी दोस्ती बहुत भगवान करे कि किसमें नजर ना लगे. और इनका आज बर्थडे है तो मैं अनबिलीवेबल आज बहुत खुश हूँ और भगवान को लंबी उम्र और उनका फैमिली को स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि दे. थैंक यू. हितेन भाई मेरे पुराने दोस्त है और हितेन भाई के लिए मेरे बहुत मतलब हमारे दोनों बिजनेस पार्टनर भी बहुत जल्दी होने वाले हैं. मेरे सब बिजनेस भी है तो हितेन भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही बड़े दिल के इंसान है. भाई हम जीरो को हीरो बनाने वाले योगेश भाई का मेरे बर्थडे में बहुत हृदय पूर्वक स्वागत है और योगेश भाई को हम सबकी उम्र लग जाए ताकि आने वाले जनरेशन को भी उनकी माया दया का का मौका मिले. योगेश भाई को मिलने का मौका मिले. हितेन मेहता जी को मैं बहुत ही कांग्रेचुलेशन टू हितेन मेहता जी का आज बर्थडे है. सो आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड होपफुली विल डू वेरी गुड एंड ही इज डूइंग वेरी गुड. सो विश यू वेरी कांग्रेचुलेशन टू हिम. आपका शो टीवी में चल रहा है शिव शक्ति उसमें बहुत ही नेगेटिव रोल है. आप नाम बने तो उस रोल के बारे में या एक्चुअली इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर क्योंकि उसमें मैं दो कैरेक्टर के साथ प्ले कर रहा हूँ नेगेटिव प्लस पॉजिटिव बोथ. सो इट वाज लाइक इट्स अ चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम ये शो कर रहा हूँ और दो कैरेक्टर लाइक मैं उसमें स्नेक भी कर रहा हूँ लाइक नागिन का भी कैरेक्टर है एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव. तो काफ़ी वर्सेटाइल है तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है बट बहुत मुझे मज़ा आ रहा है. टीआरपी अच्छी है एंड लाइक अर्जुन गुजलानी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ. सो इट्स लाइक वेरी लाइक गुड फॉर मी एंड होप आप वो शो देखें. बस विशिंग हिम अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. हैप्पी 50th. बहुत ही बढ़िया शानदार पार्टी रखी है आपने. मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया आमंत्रित किया. योगेश भाई हमारे साथ खड़े हैं का तो हमेशा शुक्रगुजार ही रहते हैं. बहुत हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं. जो भी काम करते हैं उसमें सपोर्ट योगेश भाई का हमेशा रहता है. योगेश भाई मेरे जो पार्टनर है इस शो के जो मैं नया शो कर रहा हूँ ब्रेन ट्रेनर के नाम से वो भी मेरे साथ आ जाए. आपको विशेष देने सर. थैंक यू सो मच सर. हमारा आशीर्वाद बस बने रहा. अभी कब जा रही है अपनी फ्लाइट? मॉरिशस जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? मालदीव. यहाँ पे अपने थैंक्स एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द ब्यूटीफुल मेमोरीज यहाँ पे हैं. वी नमस्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हितेन भाई wishing you a very very happy 50th birthday. God bless you. Stay blessed actually. Yogesh bhai, thank you for inviting me here on behalf of Hiten bhai. It's an honor to be here. Yogesh bhai has been a big supporter of the art that I'm involved in. May it be cinema, may it be theater, may it be whatever I do, basically he's always there and I really appreciate that sir.
And Nitin bhai, once again, I would like to wish you a very happy birthday. Your mom is there. Mom ko namaskar mein ek baar phir se. And enjoy the party, guys. Yogesh bhai ne kaha ki after this, the after party is at his house. So, koi kahin jayega nahi. Theek hai na? Thank you very much. A beautiful birthday celebration. Sab chahne wale for the future. Loving all the wishes, ladies and gentlemen. Let's give it up for the rock star, Dr. Birthday song. Happy birthday. Thank you. सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का जो 50वां जन्मदिन है, हम दोनों की तरफ से बहुत बड़े हास्य कलाकार हमारे साथी सुनील पाल की तरफ से और मैं राजीव निगम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और डॉक्टर साहब ने बड़े सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत सारे लोगों के सुख दुख में, बहुत सारे मुसीबत में, बहुत सारे लोगों का अपनी तरफ से इलाज किया है। तो एक ऐसी शख्सियत को एक स्पेशल थैंक्स और एक स्पेशल शुक्रिया तो बनता है। मेहता जी, आप जीव हजारों साल, हम हमेशा खुशहाल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल, और पूरी दुनिया की धूम से होते रहो धमाल। तो आज नितिन जी का 51 बर्थडे है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं उनके बर्थडे पे इनवाइट किया गया हूँ। आज हमारा परफॉर्मेंस सही था और नितिन जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। बालक भगवान उनको बहुत खुश रखे और ऐसे ही ये बर्थडे बनते रहे आने वाले आगे 50 सालों में। हैप्पी बर्थडे नितिन जी, लव यू। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आज हाजिर हुआ हूँ, नितिन मेहता जी का 50वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर उनको अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। गॉड ब्लेसिंग, बुढ़े भले बहुत आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जितेंद्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पूरी फैमिली, उनके सारे दोस्त, उनके सारे फ्रेंड्स के साथ आज हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। सुपर एक्साइटेड। स्माइल प्लीज एवरीवन।
friends, ladies and gentlemen, let's rock and sing the tune. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lovely birthday to you. As Karan Saxena in the center mein aa jayenge for the cake cutting ceremony. And sir, jo weight lose hai, is it, you know, you always want to. Right. Thank you. Good evening, everyone. मुझे लग ही रहा कि इनका 50th बर्थडे है. ऐसा लग रहा है कि अभी 24 साल 25 साल के हो गए. He looks so fit. और जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you so much. आपको कमांडर पसंद आया. देर से कितनी दूर खड़ी हो दूर जब दिन. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. काफी इंतजार के बाद अली साहब से मुलाकात अभी हो रही है. ये पहले एक ऐसे होस्ट में जो मेजबान में जो दोस्तों को बुला के फिर बाहर चले जाते हैं तो और फिर हमें इंतजार करना पड़ता है. कोई कह रहा था कि फोन पे बात करते करते आप गेट के बाहर चले गए हैं. मतलब पैसों की चिंता यहाँ तो छोड़ दें, इतना लंबा लेन देन करेंगे तो फिर तो भागना पड़ेगा ना लोगों के पीछे. आपको कितना कम डॉक्टर तो बनने हैं, अगला क्या इंजीनियर बनने हैं, साइंटिस्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे. कितना छोटा ख्वाब है ना, पीएम बनना है जो भी है. नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया है, आपको पीएम से भी ऊपर ले जाएंगे. पीएम भी बनेंगे, सीएम भी बनेंगे, सब कुछ. लेकिन ये जो आपका अटका हुआ था जिसके लिए आप लड़ रहे थे फोन पे, पहले ये फिर सब कुछ बनेंगे. बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जिंदगी ये कंपल्सरी ब्लाइंड है. और जिस तरह लोग ताश जो खेलते हैं उनको पता होगा कि फ्लैश जब खेलते हैं कहीं कंपल्सरी ब्लाइंड होता है, जो वो डालना ही होता है ना पैसा, वो शुरू में जो है फर्स्ट राउंड में डालना पड़ता है. तो लखानी साहब जो हैं ये कभी भी फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं आपको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ता है मुझे. क्योंकि इन्होंने भी ज़िंदगी में हमारा बहुत साथ दिया है, जब भी ज़रूरत हुई है हमेशा आगे बढ़ गए, इन्होंने साथ दिया है. और उनका एक लंबा सफ़र मैंने देखा है ज़िंदगी में, जहाँ से शुरुआत की और जहाँ तक आ गए. ऐसे मकाम बहुत कम लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन ये उसके हकदार हैं और ढेरों बधाई हैं. लेकिन मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बर्थडे इन्हीं का है, बर्थडे हितेन साहब का है. और इन्होंने कहा कि देखिए ये लॉ फर्म में है, इनके लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो सारा कुछ यही सुलझाएंगे. तो मुसीबत पहले ही पहले खड़ी कर दी थी इन्होंने. बहरहाल इनका जो 16वां जन्मदिन है यार, कम से कम शक्ल सूरत से लेके 16 साल से एक भी दिन ऊपर नजर नहीं आते. और मैं ऐसा समझता हूँ कि इंसान जो है वो सिर्फ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें पढ़ता है, जो असली उम्र है वो तो जो आदमी ने तय कर लिया अपने जहन में कि मेरी उम्र पर सब 16 है, इसमें आगे नहीं बढ़ने वाला, वही उसकी उम्र. और 16 से आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ के क्या करेगा. तो ये एक बड़ा अच्छा पड़ाव है और एक अच्छा माहौल होता है और अच्छा एक इसको कह लें कि एक बहाना है
अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है और ऐसे वक्त में इंसान बहुत सारी दुआएं मांगता है और हम भी मांग रहे हैं आपकी लंबी उम्र की दुआएं, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपका परिवार जो है वो खुशहाल रहे, आपके इधर के जितने लोग हैं वो सब खुश रहें, आप अपने व्यवसाय में तरक्की करें और इसी तरह हमें बुलाते रहें और लगानी बार आप इसी तरह बुला के गायब होते रहें। ठीक है, बहरहाल क्योंकि इसी बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है और ये जश्न भी बहुत जरूरी है ज़िंदगी में। हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया है आना जाना, क्योंकि हर रोज होता ही रहता है, और लेकिन मैंने कहा कि योगेश के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी ओकेजन के लिए मैं कभी ना नहीं कर पाऊँगा। आज भी आया हूँ, हमेशा आता रहूँगा और आप लोगों के लिए एक बार फिर से दिल से दुआ। बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे लाडले सबके चहितों में से हितेन जी का जन्मदिन है, वो भी 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इस मौके पे मैं ही नहीं मेरे अलावा कई कलाकार यहाँ आए, उनको आशीर्वाद दिया, जो वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने अचीवमेंट लिया है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका हम सबको लाभ लेना चाहिए और उनको बस उम्र और ज्यादा देवे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। अब भूले भले, नमस्कार, हैप्पी बर्थडे।